Subscribe to Ria Expert. मैं बेचारों के लिए द स्ट्रगल इज रियल. इतनी स्नो में तो वॉक करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली हो चुका है. इस पे डील चल रही होती है कि हमें दो ब्रेड्स $5 की मिल जाएंगी, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी डील नहीं चल रही. एंड मेरे हाथ हैं जो बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं. अब इतनी ठंड में वीडियो बना रही हूँ, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है. हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए. सो अब तो एक रिचुअल ही बन गया है कि जब जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ आप लोगों को अपने साथ लेके जाती हूँ. सो आज मैं दोबारा निकली हूँ ग्रोसरी करने. सो मैंने सोचा why not अपनी YouTube फैमिली को भी साथ लेके चलूँ. बट आज डिफरेंस ये है कि आज मैं वॉलमार्ट की जगह फ्रेशको जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इंडियन सामान चाहिए. सो अगर आप लोगों को भी इंडियन स्पाइसेस या इंडियन सामान चाहिए होता है सो आप लोग भी चलो फ्रेशको विज़िट कर सकते हैं. आज मैं आपको जाके दिखाने वाली हूँ कि वहाँ पे क्या क्या आप लोग ले सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे आपको मिलता है एंड उसके प्राइसेस क्या क्या हैं. बाहर की टेम्परेचर की आज अगर हम बात करें सो इट्स -16. ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप तो निकली हुई है बट हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, जिसकी वजह से धूप का तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठंड बहुत ज़्यादा है बट या मैं पैक होकर निकली हूँ, विंटर जैकेट मैंने पहनी हुई है. बाहर निकलूँगी थोड़ी ठंड लगेगी बट कार से निकल के एंट्री डोर तक जाना इतना बड़ा कोई डिस्टेंस नहीं है, आई कैन मैनेज दैट. सो फॉर नाउ लेट्स गो एंड वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत रास्ता भी दिखाऊंगी क्योंकि स्नो बहुत पड़ी हुई है. ये व्यू मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स गो देयर एंड सी वहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है. जैसे कि आप सामने देख सकते हैं साइड पे कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है. कल रात को स्नो स्टॉर्म आया था, सब कुछ स्नो में कवर्ड था, बट यहाँ पर उसी टाइम या थोड़ी देर बाद ट्रक्स आते हैं जो कि रोड से स्नो साफ़ कर देते हैं. इस टाइम आपको रोड्स पे स्नो नहीं दिख रही होगी बट ये साइड पे दिख रही है. सारी स्नो साइड पे होके रोड एकदम क्लियर हो जाते हैं ताकि ड्राइव करने में इतनी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए. एंड ऊपर से स्नो साफ़ करने के साथ साथ वो लोग सॉल्ट भी यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं, जिससे स्नो साथ साथ में मेल्ट होती जाती है. इसीलिए रोड्स क्लीन हैं, साइड पर स्नो है, थोड़ी सी धूप तेज़ हो रही है, मौसम थोड़ा सा बेटर हो चुका है. सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी. मेरे घर से फ्रेशको ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा. तब तक के लिए आप यहाँ की स्नो इन्जॉय करो, देखो यहाँ का व्यू एंड आपको लेके चलती हूँ फिर मैं फ्रेशको. सो फाइनली हम फ्रेशको पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं इनफैक्ट. बस अब पार्किंग में जाना है, कार पार्क करनी है, फिर मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँगी. जैसे कि आप देख सकते हैं बेचारों के लिए द स्ट्रगल इज़ रियल. इतनी स्नो में तो वॉक करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं एंड ब्लैक आइस तो इतनी ज़्यादा विजिबल भी नहीं होती है. सो अगर आप भी स्नो में बाहर निकलें, स्नो शूज़ पहन के निकलें जिसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, ताकि आप लोग भी ग्रोसरी करने आए हैं सही सलामत वापस जाएँ एंड स्लिप ना हो. आज संडे है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, जैसे कि आप देख ही सकते हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सबके कार्ट्स फुल हैं. कार पार्क कर चुके हैं एंड अब हम अंदर जा रहे हैं. कार्ट मैंने आज नहीं लिया क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा सामान नहीं है, बट जितना भी सामान होगा अंदर एक बकेट या बास्केट आप कह लो वो मिल जाती है एंड उसमें आई थिंक मेरा सामान जो है वो आ जाना चाहिए पूरा, वरना दो ले लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है. फॉर नाउ लेट्स गो इनसाइड क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड मेरे हाथ हैं जो बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं. अब इतनी ठंड में वीडियो बना रही हूँ, एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है. अब लेते हैं अपनी बकेट एंड देन अपनी अगले वीक की ग्रोसरी करते हैं शुरू. ठंड है तो यहाँ पे पीनट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि हम जब घर होते थे अपनी होम कंट्री में होते थे तो काफ़ी ज़्यादा खाया करते थे, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं. $4 की हैं आलू भुजिया वगैरह, ये $1 का है. उसके बाद ये सब का काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, आई थिंक ये सेल पर चल रही है इसीलिए इनका ऐसा ढेर लगाया हुआ है. अगर आप दो लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 100 points मिल जाएंगे. मुझे ये सब नहीं लेना. सो आगे चलते हैं ग्रोसरी के सेक्शन में एंड लेट्स बिगिन देन. सबसे पहले मैं पहुंची हूँ एप्पल्स के सेक्शन में, जो कि यहाँ पे $1.99 के लगे हुए हैं. मैंने 7 लिए ताकि मेरे एक हफ़्ता आराम से चल जाए एंड इसको अपनी बास्केट में ऐड करेंगे एंड देन आगे चलते हैं. नेक्स्ट मैं आई हूँ अनियंस के सेक्शन में, जिसका प्राइस यहाँ पे $2.49 है. मेरे को इतने ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि थोड़े से घर पर पड़े भी हुए हैं, तो इसका मैं बस एक ही पैक लूँगी एंड इसको अपने कार्ट में ऐड करूँगी जो भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है.
उसको ऐड करेंगे हम अपने कार्ट में। अब सर्दियों में चाय पीने का मन करता है, वो भी अदरक वाली। सो यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है $3.49। इसका मैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इतने बड़े की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये मैसिव हैं, मेरे को छोटे वाले चाहिए। सो मैं ये दो लूँगी एंड इसको भी अपने बास्केट में ऐड करूँगी। नेक्स्ट मैं पहुँची हूँ एग प्लांट के सेक्शन में, जिसको हम बैंगन कहते हैं। इसका प्राइस $1.99 है। इसके मैं जस्ट दो ही लूँगी, पिछली बार मैं एक लेके गई थी, वो काफ़ी कम बना था, तो इस बारी मैं दो लूँगी एंड इन दो को अपने बास्केट में ऐड करूँगी। चलो, फ्रेशको का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइसेस पे होती हैं। आगे मैं जब भी स्पेनिश लेती हूँ तो मैं वॉलमार्ट से लेती हूँ, उसका पैकेट में लेती हूँ, उसका प्राइस होता है $6 एंड यहाँ पे ये ओपन पड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं एंड इसका प्राइस सिर्फ $1.99 है। सो इसका भी मैं एक पंच लूँगी एंड इसको अपने बास्केट में ऐड करूँगी। यहाँ पे आपको सारी की सारी वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेश, देखने में ही आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। पैकेट्स में देना चाहो तो पैकेट्स में ले सकते हो, सारे फ्रूट्स एंड का सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइसेस एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। सो इसीलिए मैं कुछ सामान वॉलमार्ट से लेना प्रेफर करती हूँ एंड कुछ सामान के लिए मैं फ्रेश को आती हूँ। अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि मुझे अपनी ग्रॉसरी में और क्या क्या ऐड करना है। सो नेक्स्ट मैं पहुँची हूँ बनानास के सेक्शन में, इसका प्राइस सिर्फ 59 सेंट्स है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली हो चुका है। अब जितने बचे हुए हैं मुझे उसमें से ही चूज़ करना पड़ेगा, थोड़े से बनानास भी लेके एंड देन अपनी बास्केट में मैं ऐड करने वाली हूँ। नेक्स्ट मेरे को थोड़े से टमाटर भी चाहिए थे, जिसका प्राइस $2.49 है। ये वॉलमार्ट से इक्वली है एंड ये थोड़े से ख़राब लग रहे हैं, इसका प्राइस भी सेम है। सो अगर प्राइस सेम है तो हम क्यों ना ये बेटर क्वालिटी वाले लें। ये भी मैंने थोड़े से लेके अपनी बास्केट में ऐड कर दिए हैं। सो चलो चले आगे एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन फाइंड। नेक्स्ट मैं पहुंची हूँ ब्रेड्स के सेक्शन में। जब हम वॉलमार्ट जाते हैं तो हमेशा जो ये डंपस्टर्स की ब्रेड है, इस पे डील चल रही होती है कि हमें दो ब्रेड्स $5 की मिल जाएंगी, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी डील नहीं चल रही एंड इसका प्राइस आई थिंक $3.59 है। अब एक ब्रेड लेने तो वॉलमार्ट नहीं जाऊँगी मैं, इसीलिए एक ही लूँगी मैं एंड इसे अपने बास्केट में करते हैं ऐड। नेक्स्ट मैं पहुंची हूँ रोटियों के सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे ये रोटियाँ विल बी योर बेस्ट फ्रेंड टू सेव योर टाइम एंड जिसको रोटी बनाने नहीं आती हैं। सो इसके मैं 3-4 पैकेट्स लेके ऐड करूँगी, क्योंकि कभी कभी जब मेरा डेली काम होता है फिर मेरे पास टाइम नहीं होता ये रोटी वगैरह बनाने का, तो मैं रोटी परांठा या मेथी परांठा ये सब मिक्स करके एंड 4-5 पैकेट्स लेके अपने बास्केट में ऐड करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं पहुँची थी बटर के सेक्शन में, वो भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये छोटा वाला लेके एंड ये ऐड कर लिए। मेरा ऑलमोस्ट एक महीना पूरा ही निकल जाता है। सो ये भी मैं अपने बास्केट में ऐड करूँगी एंड उसके बाद मेरे को लेने एग्स, जिसका प्राइस है $9.59। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं वॉलमार्ट से, बट कोई बात नहीं, वॉलमार्ट में मीडियम एग्स जो मिलते हैं वो $8 के होती हैं, ये लार्ज एग्स हैं। सो ये $9.59 के हैं, सो इसीलिए इसको भी एक लूँगी एंड इसको ऐड करूँगी अपनी बास्केट में। ये काफ़ी ज़्यादा भर चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा अब भारी हो चुका है। इसके बाद मुझे सिर्फ दूध लेना है और दही लेना है एंड ओट्स ढूंढने हैं एंड देन आई थिंक विल बी डन फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं पहुँची हूँ ओट्स के सेक्शन में एंड एक तो यहाँ पे क्वेकर ओट्स हैं एंड उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्स के ओट्स हैं। इसमें फ़र्क ये है कि ये थोड़े से जल्दी बन जाते हैं एंड सुबह सुबह थोड़ा जल्दी बनने वाला सामान ही चाहिए, सो इसीलिए दोनों का प्राइस सेम है, तो इसीलिए मैं ये लेके इसको मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाले ओट्स लिए हैं। उसके बाद मैं फाइनली पहुँची हूँ मिल्क के सेक्शन में एंड हर बार की तरह हम यही वाला मिल्क लेते हैं, इस बार भी मैं यही लूँगी एंड इसको लेके, ये मेरी लास्ट चीज़ थी। आज संडे की वजह से लाइंस बहुत ही ज़्यादा लंबी हैं, मैं भी इस टाइम लाइन में खड़ी हूँ, मेरे आगे ये पूरी लाइन है। टाइम तो लग जाएगा, आई थिंक आधा घंटा लगेगा मुझे बिलिंग करवाते, बट कोई और ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स वेट एंड देन फिर हम अपनी बिलिंग करवाते हैं एंड लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बिल कितना बना है। नॉर्मली मैं कभी वीकेंड्स पे नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बट आज मेरे पास ऑप्शन नहीं था, कल मेरा काम है, इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, संडे है, रश होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अभी मेरा बस एक सामान रह गया है, दही, वो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है, वो लेके एंड देन उसके बाद दोबारा से मैं बिलिंग में लूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। या सो जैसे कि आपने देखा मेरे बड़े
प्यारे प्यारे ये लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं एंड अब इन्होंने मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किया है. सो अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने का सोचे, इट मीन्स अ लॉट टू मी. सो अभी के लिए दही ढूंढते हैं एंड देन लाइन में वेट करते हैं. फाइनली मैं बिलिंग काउंटर पे पहुंच चुकी हूँ, ये सारा सामान मेरा है एंड लेट्स सी इसका बिल एंड में कितना बनता है. सो फाइनली मेरी ग्रोसरी हो चुकी है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं एंड फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा कितना बिल बना एंड यहाँ के प्राइसेस और वॉलमार्ट के प्राइसेस में कितना फ़र्क है. सो लेट्स सिट इनसाइड द कार एंड देन डिस्कस अबाउट द बिलिंग एंड एवरीथिंग. मेरा बिल फाइनली बना है $66.04. काफ़ी ज़्यादा मैंने सामान लिया है बट जो सब्ज़ियाँ या वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए ज़्यादा बिल नहीं बना है. जब मैं लास्ट टाइम वॉलमार्ट गई थी तब भी मेरा अराउंड $60 ही बिल बना था. तो प्राइसेस का तो मैं कहूँगी इतना डिफरेंस नहीं है अगर आप यही सब चीज़ें ले रहे हो तो, एक दो डॉलर का ही फ़र्क पड़ता है. तो इसीलिए अगर आपको इंडियन सामान चाहिए आप चलो फ्रेश को आओ एंड अगर आपको दूसरा सामान चाहिए तो आप वॉलमार्ट जाके भी प्राइसेस चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डील्स लगी होती हैं. सो फॉर नाउ ग्रॉसरी हो चुकी है ख़त्म एंड लेट्स गो होम नाउ. बाहर इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग ठंड है ना कि मैं 2 मिनट बाहर खड़ी हुई थी एंड मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं. आई कैन नॉट इवन फील माई फिंगर्स. जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, इस सब में तो बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क है. बट फिर भी सबकी मजबूरी है, ग्रॉसरी करना भी ज़रूरी है, इसलिए सारे लोग आए हुए हैं. ग्लव्स पहन के आने चाहिए थे, ये थोड़ी सी मेरे से गलती होगी बट नेवर माइंड. ग्रॉसरी मेरी फाइनली हो चुकी है डन. अब अगले 1-2 हफ्ते तक मुझे ग्रॉसरी के लिए दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो बिल तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं बना एंड चलो फ्रेशको की एक और बात ये है कि यहाँ पर आपको अपने जो ग्रोसरी करते जितना भी आपका अमाउंट बनता है उसके आपको सीन पॉइंट्स मिलते हैं. सो सीन पॉइंट्स से या तो आप फ्री मूवीज़ देख सकते हो या फिर आप वाउचर्स रिडीम कर सकते हो या फिर आप अपनी ग्रोसरी में भी वो पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो. हर 1,000 पॉइंट्स के आपको $10 ऑफ मिलते हैं. सो इसीलिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट है, आप मूवीज़ में यूज़ करना चाहते हो वहाँ यूज़ कर सकते हो, चलो फ्रेशको या फिर फ्रेशको में यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो. सो आई होप आज का व्लॉग भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर लगा है सो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. इसी तरह के और मज़ेदार व्लॉग्स के साथ मैं आगे आपको मिलती रहूँगी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.